ओके, तो आज हम लोग पार्टनरशिप का एक जो भी होमवर्क इतना दिन मैंने दिया था, चाहे वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो जो लास्ट दिन मैंने दिया था, और इसके पहले जो एकदम स्टार्टिंग क्लास के साथ जो होमवर्क दिया था, ठीक है, आज हम लोग सारा होमवर्क को सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों से सम्स हुआ है बहुत अच्छा बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो लोग होमवर्क को कंप्लीट कर लो। और काफी लोगों ने मुझे भेजा है लेकिन सबने नहीं भेजा है। अगर सब कोई भेजो तो, अगर हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो रहा है, नहीं भेजे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो से देख के जरूर कॉपी में उसे कर लो, ठीक है। तो देखो, एकदम जो फर्स्ट दिन मैंने 3 सम्स भेजा था, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट के मैथ से ही था, 3 सम्स मैंने भेजा था। एक था वीक एबल, और एक मिनट, एक था वीक एबल एंड लेजी, ठीक है, वो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 था राम एंड रहीम, और क्वेश्चन नंबर 3 एक फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख लिया है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या क्या है, देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर है, मैंने उसे शॉर्टकट में लिख लिया है। इंटरेस्ट मिलेगा उन लोग को कैपिटल के ऊपर 8% पर है ना, ड्रॉइंग्स मिलेगा 10% पर है ना। एक्स विथड्रू किया है 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और वाई जो है उसने विथड्रू किया है 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, एक पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, तुम लोग लिख लोगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो 2 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मैंने यहाँ डॉट डॉट लगाया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क से वो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि तुम लोग को वो सब फिल करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, एक्स का दिया हुआ है वाई का नहीं दिया हुआ है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, देखो उसमें एक्स का 2/3 है और वाई का 1/3 है। और बाई पीएल दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है एक्स और वाई। और देखो यहाँ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हम लोग को ये इसे पूरा कंप्लीट करना है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसे हम लोग को कंप्लीट करना है। हम लोग का 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक है पीएल एप्रोप्रिएशन। ओके, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। देखो, हम लोग को यहाँ पर पहला डेटा जो गिवेन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000 एक्स का, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है देखो वाई का प्रॉफिट का पार्ट दिया हुआ है 2,80,000। ये देखो प्रॉफिट क्या है, 2/3 1/3। अब हम लोग इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका मतलब 1/3 इक्विवेलेंट टू कितना हो गया, 2,80,000। ये देखो हम यहाँ वर्किंग करते हैं, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,80,000। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,80,000, ठीक है, इंटू 3/1, तो कितना हो जाएगा देखो, 2,80,000 इंटू 3/1, तो 8,40,000। 8,40,000 हो गया। अब 8,40,000 में एक्स का प्रोपोर्शन कितना होगा, 8,40,000, और एक्स का दिया हुआ है 2/3, तो इंटू 2/3 कर रहे हैं हमें, तो ये हो जाएगा 5,60,000, ठीक है। अब ये पुट कर देते हैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, एक्स का प्रॉफिट का पार्ट 5,60,000। ये देखो मैंने यहाँ डॉट डॉट से फिल इन द ब्लैंक समझाया है, 5,60,000, ठीक है। फिर और क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ हम लोग देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। एक्स का क्या होगा, एक्स ने कितना ड्रॉ किया है, 40,000 पर मंथ है, तो 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एंड मतलब हो जाएगा 5.5, ठीक है, तो 40,000 इंटू 10% इंटू 5.5, तो हो गया 22,000। नेक्स्ट वाई का, वाई का कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 1,20,000
ठीक है, इंटू 10%, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, अगर एंड है तो वो हो जाएगा 9, ठीक है, 9/4, 9/4 होने पे ये हो जाता है हम लोग का, हमें पता है 4.5 होता है, ठीक है, तो 4.5, अब देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 120,000 इंटू 10% इंटू 4.5। अब क्वार्टर में क्या होता है ये हम समझा देते हैं, देखो क्वार्टर में क्या होगा, ये करने पे आंसर आएगा 54,000, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, क्यों वो हम समझा देते हैं, देखो क्यों रॉन्ग हो रहा है। जैसे हम लोग 40,000 कर रहे हैं ना, इवनली जो हो रहा है, तो देखो जैसे हम लोग 40,000 करेंगे तो 40,000 क्या होगा, ये देखो इलेबोरेशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 40,000 इंटू 10% पहला हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ है 11/12, ठीक है, उसके बाद होगा 40,000 इंटू 10% इंटू कितना हो जाएगा 10/12, डॉट डॉट करके लास्ट वाला होगा 40,000 इंटू 10% इंटू कितना हो जाएगा 1/12, यही तो मैंने सिखाया था, ठीक है। अब इस केस में देखो अगर हम लोग को क्या करना है, सारा इंटरेस्ट को क्या करना है, जोड़ना है, जो भी इंटरेस्ट आएगा अगर हम लोग ये साइड जोड़ते हैं तो यहाँ कॉमन क्या आएगा 40,000 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 10%, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा 1/12, और ब्रैकेट में आ जाएगा 11+10+9/8, जो मैंने लिखा नहीं, यहाँ डॉट डॉट दिखा है तो यहाँ भी डॉट डॉट दिखा देते हैं 1, तो ऐसे हो जाएगा 40,000 इंटू 10% इंटू 11 से लेके 1 तक ऐड करो, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हो गया 66/12, ठीक है, तभी होता है 5.5, जिसका आंसर आता है 22,000, ठीक है। देखो जब मंथली में होगा तो ऐसे हम लोग करते हैं, तो मैंने बताया था कि 40,000 इंटू 10% इंटू 66/12, वो तो मैंने कंसेप्ट समझा ही था इसके बेसिस पे, तो देखो डायरेक्ट इसकी जगह मैंने 5.5 लगा, आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी तो वैसे ही होना चाहिए, फैक्टर इंटू होना चाहिए जैसे मैंने मंथली में बताया था, लेकिन इसमें गलत हुआ है, ठीक है, क्यों गलत हुआ है वो हम बता रहे हैं, देखो क्या चेंजेस हो जाता है कंसेप्ट में। अब जैसे क्वार्टरली होगा तो 1,20,000 इंटू 10% पहला जो है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो फर्स्ट होगा 9/12, ठीक है, इंटू हो जाएगा 6/12, ये पूरा ही हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, और 3/12, बस ये तीन ही होगा। अब देखो अब ये आंसर और ये आंसर, जैसे इसको अगर हम लोग, मतलब ये देखो इसको अगर हम लोग कम्प्लीटली करते तो भी जोड़ने पे कितना आता 22,000, इसमें भी उतना ही आना चाहिए लेकिन नहीं आएगा 54,000, देखो ये देखो 1,20,000 इंटू 10% तो हो गया 12,000, 12,000 इंटू 9/12, ये देखो 12,000 इंटू 9/12, तो पहला वाला हो जाएगा 9,000, दूसरे वाले भी 12,000 ही होगा, 12,000 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 6,000, और 12,000 इंटू, क्योंकि सब में तो 1,20,000 10% है ना, 3/12, तो हो गया 3,000। अब टोटल करो, प्लस 9,000 प्लस 6,000, तो कितना है 18,000, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इस केस में गड़बड़ क्या हुआ, देखो इस केस में फैक्टर लगाने से नहीं होगा, सिर्फ फैक्टर लगाने से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या क्या कॉमन जाएगा, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 1/12, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 9+6+3, जैसे हम लोगों ने इधर ऐड किया, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, देखो इधर करते हैं 1,20,000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू, वो ऐड करने पे आता है 9+6+3 18, ठीक है 18 आ गया,
अब हम लोगों ने क्या किया था, क्वार्टर के लिए हम लोगों का जो भी आंसर आया था उसे हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 4 कर रहे थे, है ना। तो जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 4, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 18। अब इसे फैक्टर जब करना है तो ऐसा नहीं कि 18 बाय 12 होगा तो फैक्टर हो जाएगा, उसमें हो जा रहा था बिकॉज उसमें डिवाइडेड बाय 12 था, वो मंथली बेसिस पे था, लेकिन क्वार्टरली में डिवाइडेड बाय हमेशा क्या करना है, 4 करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक डिवाइडेड बाय 4 लगाएंगे, देखो जैसे हम लोग यहाँ डिवाइडेड बाय 4 लगाएंगे, देखो फैक्टर लाने के लिए, ठीक है, ये तो हमारा कॉमन पार्ट था इनटू 1 बाय 12। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 18 बाय 4 लगा देते हैं फॉर द रीजन ऑफ फैक्टर, तो वैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इनटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 120,000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू 18/4, तो कितना आ गया 4.5। अब देखो रूल्स देखो मैथमेटिक्स का, अगर यहाँ पर अचानक से 4 लगा देते, क्योंकि देखो जब हम क्यों बोल रहे हैं अचानक से 4, ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने इलाबोरेशन के साथ किया तो इसका देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर ये सारा हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1,20,000, 10% डिवाइडेड बाई 12 सब में कॉमन आ जाएगा, और इधर ऐड हो जाएगा 9+6+3। लेकिन जब ये करेंगे तो हम लोग को तो आगे जाके फैक्टर यूज करना पड़ता है इस कंसेप्ट में, कॉमन वाले कंसेप्ट में। तो जब फैक्टर बनाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई 12 से नहीं होने वाला, यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या लाना पड़ेगा, 4, 18 के नीचे डिवाइडेड बाई 4 लाना पड़ेगा। जैसे ही 18 में एक 4 जोड़ेंगे तो वैसे ही 4 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 4 ऐड करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। अब ये 4 इंटू का रीजन यही है कि 1,20,000 हम लोग कितना बार ड्रॉ कर रहे हैं, 4 बार, क्योंकि 4 क्वार्टर है। तो फिर कैसे होगा, देखो इंटू यहाँ 4 कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखो 1,20,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आया 18,000, जो कि सही आंसर है, ठीक है। तो देखो मंथली में डायरेक्ट अगर हम लोग फैक्टर लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग क्वार्टर करेंगे तो हम लोग क्या ध्यान रखना है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं जिस्ट करके टोटल ड्रॉइंग्स, ये ध्यान रखना है, टोटल ड्रॉइंग्स मतलब जितना सारा क्वार्टर होगा, ठीक है, इनटू रेट इनटू फैक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12, वो तो कॉमन लेने पे आ जाता है, और टोटल ड्राइंग्स करेंगे तभी हम लोग फैक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्वार्टरली करते हैं तो फैक्टर लाने के लिए हम लोग को डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ता है, क्योंकि वो क्वार्टरली है, जो कि मंथली में प्रॉब्लम नहीं होता है, और टोटल ड्राइंग्स हम लोग को यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग फैक्टर में डिवाइड 4 करेंगे वैसे ही ड्राइंग्स में इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, और अगर 3 क्वार्टर होगा तो 3 करेंगे, ठीक है। तो 18,000 हम लोग का हो गया ड्राइंग्स। तो एक्स का ड्राइंग्स जो था वो है 22,000 आया हमारा आंसर, और ये हो गया 18,000। तो टोटल कर लेते हैं 22 और 18 का, तो हो गया देखो 40,000, ठीक है। और हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, और हम लोग को चेक करना है, अच्छा अब देखो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में देखो बाय सैलरी 3,60,000 एक्स के कॉलम में, वाई में कुछ नहीं है, यानी एक्स को सैलरी मिलेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा टू सैलरी टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी टू एक्सेस कैपिटल, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 3,60,000, तो ये सब हो गया। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके साथ हम लोग को नेट प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी डेटा है उससे तो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और वहाँ पर पुट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये भी चला जाएगा, इंटरेस्ट इधर लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का है 1,60,000, वाई का अभी तक हमें नहीं पता। अच्छा और क्या मिलेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा 5,60,000 और 2,80,000, और इधर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि है 22,000 और 18,000, और हम लोग लिखेंगे टू
कैश जो ड्राइंग्स है, सिर्फ ड्राइंग्स जो है। अब ड्राइंग्स कैसे लिखेंगे, देखो 40,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ इच मंथ, तो कितना लिखना पड़ेगा 40,000 और 12 महीना है तो 40,000 इंटू 12 तो 4,80,000 और क्वार्टरली है तो 1,20,000 इंटू 4 तो 4,80,000 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, कैपिटल, कैपिटल हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कितना कैपिटल होगा, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का भी आ जाएगा, तो कैपिटल भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, देखो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,60,000 और कैपिटल पे इंटरेस्ट है 8%, तो देयरफॉर 8% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,60,000, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8% इनटू 100%, तो परसेंट परसेंट कैंसिल कर दो तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 100, ये देखो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 100 तो आ गया 2 करोड़, ठीक है, सॉरी 20 लाख, हाँ 20 लाख, तो 20 लाख हो गया एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी में एक्स के कॉलम में हो जाएगा 20 लाख। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे किस तरह से वो देखो। अच्छा तो क्वेश्चन में एक चीज गिवन था, ठीक है, वो मेरे से ऑमिट हो गया, तुम लोग को तो पता ही होगा क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, तुम लोग के पास क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ था, ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि और एक डेटा भी गिवन था जो है कि टोटल ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था 2,88,000, ठीक है, तो y का कितना हो जाएगा, अगर x को 1,60,000 है दिया हुआ है तो y का हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे टोटल से 2,88,000 माइनस 1,60,000 तो हो जाएगा 1,28,000, तो y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,28,000 जो हम लोग को ऐड करके मिल गया, ये गिवन था, ठीक है, तो 1,28,000 हम लोग यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1,28,000, ठीक है, तो अगर y का बैलेंस करेंगे, अच्छा तो इसके पहले ये क्लोज हो जाएगा, इसमें तो सारा ही डेटा मिल चुका है हम लोगों को, नेट प्रॉफिट हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग इसका टोटल लगा लेते हैं, तो ये देखो इधर कितना है 3,60,000 प्लस 2,88,000 प्लस 5,60,000 प्लस 2,80,000 तो हो गया 14,88,000, तो इधर भी 14,88,000 ही होना चाहिए, ठीक है, माइनस करेंगे 40,000 तो हो गया 14,48,000। अब हम लोग सेम प्रोसेस से वाई का कैपिटल निकालेंगे, वाई का इंटरेस्ट है 1,28,000 जो 8% के इक्विवेलेंट है, तो इस तरह से करेंगे, देखो 1,28,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 तो हो जाएगा 16 लाख, तो वाई का कैपिटल हो जाएगा 16 लाख, सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने एक्स के लिए कैलकुलेट किया। अब हम लोग दोनों साइड क्लोज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, अब हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे, सो 16 लाख प्लस 1,28,000 प्लस 2,80,000 तो ये हो गया 2,208,000 माइनस 18,000 माइनस 4,80,000 तो हो गया 15,10,000 क्लोजिंग, और x का 20 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 5,60,000 तो 30,80,000 माइनस 22,000 माइनस 4,80,000 तो आ गया 24
578,000। तो थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग था। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, जो कि था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है कि राम एंड रहीम आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवाइजिंग इयर्स फील्स ही कैन नॉट वर्क एज हार्ड एज बिफोर। द चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म रतन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जन 2016 एंड बिकम्स एंटाइटल्ड टू 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट्स एंड नथिंग एल्स। द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनऑल्टर्ड। बिफोर बिकमिंग ए पार्टनर रतन वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ टूगेदर विद द कमीशन ऑफ 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। It is provided in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. The net profit for the year ended 31st December 2016 is 1,10,000. So the distribution of net profit amongst the partners. तो ठीक है, ये बहुत जन ने मुझे कहा कि ये हुआ नहीं है। तो देखो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले देखो बोला है कि क्वेश्चन में राम और रहीम दोनों पार्टनर हैं, तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, राम और रहीम है दो पार्टनर जिनका PSR चल रहा है 3:2 बेसिस में, ठीक है। राम ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडवांसिंग ईयर्स फील्स ही कैन नॉट वर्क एज हार्ड एज बिफोर। राम को लग रहा है कि वो पहले की तरह अब और काम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म, ठीक है। तो वो चीफ क्लर्क ऑफ द फर्म में काम कर रहा था, मतलब फर्म में एज अ चीफ क्लर्क काम कर रहा था, लेकिन वो नहीं अभी कर पाएगा क्योंकि उसे नहीं लगता वो पहले के जैसे हार्ड वर्क कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसने क्या सोचा है, उसने ये सोचा है कि रतन को एडमिशन दिलवाएगा, रतन आ जाएगा एज अ न्यू पार्टनर। पहले से ये दोनों थे, ठीक है, इसको आना है फर्म में। कब से? 1 जन 2016 से, ठीक है। 1 जन 2016 से रतन को बिजनेस में ज्वाइन करना है। एंड बिकम्स एंटाइटल्ड 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स द म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेनिंग अनऑल्टर्ड। इसका मतलब ये है, रतन जो न्यू पार्टनर आएगा उसे प्रॉफिट मिलेगा 1/10, और उसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली प्रॉफिट के लिए वो जुड़ रहा है, प्रॉफिट ही मिलेगा और कुछ नहीं क्लेम कर सकता है। लेकिन राम और रहीम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अनऑल्टर्ड रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। फिर बोला है, बिफोर बिकमिंग ए पार्टनर रतन वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। इसमें एज ए पार्टनर ज्वाइन होने के पहले रतन इस फर्म में काम करता था जिसमें बिफोर, ठीक है, बिफोर जो है रतन को क्या क्या मिलता था, देखो रतन को पहले मिलता था सैलरी 500 पर मंथ प्लस कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन, इसका एक मतलब होता है, वो हम समझाएंगे, ठीक है। किस तरह से दिया जाता है ये जो नेट कमीशन, किस तरह से पे किया जाएगा, उसका एक लैंग्वेज बोला हुआ है, इसका मतलब हम समझाएंगे। It is provided in the partnership deed that the share of Ram's profit as a partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out of Ram's share of profit. और partnership deed में ये बोला गया है कि रतन का जो profit का part है
एज ए पार्टनर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच यूड हैव बीन एंटाइटल्ड इफ ही हैड कंटिन्यूड एज चीफ क्लर्क शुड बी टेकन आउट ऑफ राम शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले रतन को जो भी मिल रहा था ठीक है, अब एज ए पार्टनर ज्वाइन होने के बाद उसे जो मिलेगा अब प्रॉफिट ठीक है, और वो प्रॉफिट अगर ये जो पहले मिल रहा था उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो कौन देगा, राम देगा ठीक है। और लास्ट में बोला है नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट इस साल का कितना है, नेट प्रॉफिट जो है इस साल का है 1,10,000। हमें क्या करना है, पार्टनर लोगों के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करके दिखाना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम लोग अच्छे तरह से समझो, ये सब कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली पार्टनर लोगों का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, यानी हमें पीएल अप्रोप्रिएशन दिखाना है। अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। राम और रहीम दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 कंटिन्यूएशन में चल रहा था। रतन जो पहले एज ए क्लार्क काम कर रहा था वो अभी एज अ पार्टनर ज्वाइन हो जाएगा 1 जनवरी 2016 से 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। और जब वो एज ए क्लर्क काम कर रहा था तो उसे क्या मिल रहा था, सैलरी 500 पर मंथ प्लस कमीशन मिल रहा था। कमीशन कैसे उसे मिल रहा था, 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन, ये हम समझाएंगे क्या होता है। और नेट प्रॉफिट क्या है, 1,10,000 इस साल का 31 मार्च 2016 का जो नेट प्रॉफिट है ये है 1,10,000। हम लोग को करना क्या है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। लेकिन एक चीज हम लोग को देखना है कि रतन को अगर पहले से ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब अभी रतन को क्या मिलेगा प्रॉफिट ठीक है, और क्योंकि वो पार्टनर है, लेकिन रतन को पहले जो मिल रहा था उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट देना होगा, प्रॉफिट का हिस्सा अगर उसे ज्यादा मिल रहा है तो वो प्रॉफिट का हिस्सा कौन उसे पे करेगा, राम पे करेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एज ए क्लर्क रतन को क्या मिलेगा। अमाउंट एज ए चीफ क्लर्क ड्यू टू रतन, तो रतन को क्या क्या मिलता है, सैलरी 500 × 12 तो ये कितना हो जाएगा 6,000 प्लस मिलता है कमीशन, कमीशन कितना मिलेगा 4% इन ऑफ नेट प्रॉफिट ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन। लेकिन नेट प्रॉफिट से क्या क्या माइनस करना है, सैलरी और कमीशन को माइनस करना है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ये समझ लेते हैं, यहाँ पर हम समझा देते हैं डिटेल्स में। ये देखो कमीशन जो है वो किस तरह से पे करना है, 4% ऑन नेट प्रॉफिट, जैसे ही बोलेगा ऑन नेट प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे 1,10,000 बिकॉज नेट प्रॉफिट है 1,10,000। लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड कमीशन, लेकिन इस प्रॉफिट से क्या माइनस हो जाना चाहिए, डिडक्ट मतलब माइनस सैलरी और क्या हो जाना चाहिए, कमीशन। बोल रहा है 4% कमीशन दो मुझे, लेकिन कमीशन जो दोगे वो मुझे प्रॉफिट से सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद देना है। तो ठीक है हम लोग जो लैंग्वेज बोला उसी को फॉलो करते हैं, 1,10,000 सैलरी हमें पता है 6,000, बट कमीशन तो हमें नहीं पता एज ए 4% कितना कमीशन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते कमीशन हो गया एक्स ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि कमीशन एक्स है तो ये हो गया एक्स। तो कमीशन किस तरह से देना है, 4% देना है, लेकिन डायरेक्ट 1,10,000 के ऊपर नहीं, 1,10,000 से सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर 4% बेसिस पे हमें क्या देना है, कमीशन ठीक है। तो कमीशन इक्वल टू क्या हो गया, ये कमीशन इक्वल टू हो गया ये 4% ऑन किस पे, 1,10,000 माइनस 6,000 बिकॉज सैलरी माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो जिस कमीशन को मैंने एक्स माना है ठीक है। तो एक्स भी मान सकते हैं या फिर कमीशन को हम लोग सिर्फ कमीशन लिख देते हैं, देखो सिर्फ कमीशन लिख दिया मैंने, फिर कमीशन इक्वल टू क्या होगा 4% ऑन 1,10,000 से 6,000 माइनस करते हैं देखो, तो हो गया 1,04,000 माइनस कमीशन। तो फिर से कमीशन इक्वल टू हो जाएगा 4%
ऑन मतलब यहाँ पर ऑन या फिर ऑफ यानी ये इनटू का काम करेगा, तो 4% इनटू 1,04,000 माइनस कमीशन, ठीक है। तो कमीशन इक्वल टू, अब इसके साथ ये इनटू होगा, फिर इसके साथ ये इनटू होगा, तो 1,04,000 इनटू 4% लगाओ, कितना होता है 4,160 हो गया पहला, माइनस तो 4% मतलब कितना होता है 4/100, 4% मतलब हो जाता है ये देखो 4/100, तो कितना हो गया 0.04, तो 0.04 इंटू कमीशन, ठीक है। जैसे हम लोग x लिखते हैं उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ना कमीशन। अब अगर हम लोग कमीशन को x मानते हैं, किसी को अगर कमीशन लिखा हुआ है ये समझने में प्रॉब्लम होता है, वो x लिख लो, तो x मतलब क्या हो गया 4160, ठीक है, ये डॉट गिर गया है, 4160 माइनस 0.04 एक्स, मैंने कमीशन को एक्स मान लिया। अब ये दोनों एक्स वन साइड ले आते हैं, एक्स प्लस 0.04 एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4160, तो 1.04 एक्स इक्वल टू हो गया 4160, तो एक्स मतलब 4160 बाई 1.04, तो आंसर आ गया 4000, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 4000, और x मतलब हम लोगों ने क्या मानना था कमीशन, तो कमीशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 4000, तो ऐड करेंगे जो कमीशन हुआ उसके लिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो कमीशन इस तरह से पे करना है। अब इसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग मतलब कमीशन देना है लेकिन प्रॉफिट से कमीशन चार्ज करने के बाद देना है, इसे बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग। और देखो आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या होता है, ये आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है अगर मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये होता है 4% मतलब 4/100, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज किसी का प्रॉफिट है तो उसे 4 रुपया कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अगर कमीशन 4 हो रहा है तो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए 100 प्लस 4, ठीक है, तभी तो हो जाएगा 104। अब 100, अब कंसेप्ट क्या होगा, 104 से हमें 4 रुपीज कमीशन देना है क्योंकि कमीशन पता है कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो जब आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो पहले हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। अब मैंने जो कंसेप्ट समझाया वो तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसमें मेरा आया था 1.04, ठीक है, यहाँ हम लोग 100 मान रहे हैं इसलिए 104 आ रहा है, तो कंसेप्ट ये हो जाता है जब भी आफ्टर चार्जिंग है, तो ऐसे हो जाएगा कमीशन 100 प्लस कमीशन, ठीक है, इस तरह से हम लोगों को करना है। देखो मैंने वही किया, अगर तुम लोग डायरेक्टली करोगे तो ऐसे ही होगा, जैसे 1,10,000 था उसमें से 6,000 का माइनस कर दो सैलरी इंटू 4% नहीं लगा के 4/ कितना लगाना है 104, और मेरा जो लेंदी प्रोसेस था मतलब जो समझाना था मुझे जो कि बहुत जरूरी है उसमें भी आया तो 1.04, बात एक ही है, 1 रुपया से मानेंगे तो 1.04 होगा, 100 रुपीज से मानेंगे तो 104 होगा, इसमें भी सेम आंसर आएगा, चेक करके देख लो तुम लोग, 1,10,000 माइनस 6,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 104, तो आंसर आ गया 4000। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग देगा तो जो भी माइनस करना है, जैसे यहाँ सैलरी बोला था कर लो, और कमीशन जो है 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन, और जब बोलेगा कि 4% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट लगा दो, मतलब 100 रुपीज इंटू 4%, तो कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट ये हो जाएगा, और इस केस में उस तरह से नहीं होगा, इस केस में हो गया 4/104, मतलब इसमें हम लोगों ने कर दिया 4/104, ठीक है, जो कि हम लोग उसमें क्या करना है हम लोग को 4/ ये देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को करना है 100 × 4/104, तो देखो आंसर क्या आता है 400 / 104, तो 3.8 ऐसा कुछ आएगा, सॉरी यहाँ पर भी तो हम लोग को 104 ही लेना है, जो भी हो तुम लोग को ये नहीं भी समझोगे तो चलेगा, इसका कोई जरूरी नहीं, देखो इसमें 104/4/104 ही लाना है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है 4% कमीशन जो बोला आफ्टर चार्जिंग जब करेंगे तो हम लोग को क्या करना है 4/104 करना है, नेट प्रॉफिट इंटू 4/104, जो नेट प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर हम लोग को उतना ही चार्ज करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4000 और 6000, ये हो गया हमारा 10000। अच्छा अब शेयर ऑफ प्रॉफिट,
शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/10, जो है 1,10,000 के ऊपर 1/10। तो 11,000, बिकॉज इस बार प्रॉफिट जो है हम लोग का 1,10,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 21,000। सॉरी, ये तो माइनस करना पड़ेगा, ये तो हम लोग चेक कर रहे हैं ना उससे कितना ज्यादा मिल रहा है। अगर वो एज ए क्लर्क काम कर रहा है 10,000 और जैसे पार्टनर हो गया वैसे उसका पेमेंट हो गया 11,000, तो फिर सॉरी तो फिर ये हो जाएगा 1,000। इसे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 1,000 मिल रहा है, ठीक है। और ये एक्सेस कौन पे करेगा? राम। एक्सेस चार्ज्ड टू राम, राम को ये देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि अगर एक्स्ट्रा कुछ भी उसे मिल रहा है पहले के सिचुएशन से अब के सिचुएशन में, तो वो एक्स्ट्रा कौन देगा? राम देगा। अभी हम लोग को पता चल गया कि किसको जो नया पार्टनर रतन है उसको क्या क्या मिलेगा। अब हम लोग को बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन, जिससे ये पता चल जाएगा कि राम को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा रहीम को और रतन को। तो राम रहीम, एक काम करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट का पार्ट चाहिए। तो बाय नेट प्रॉफिट है 1,10,000, ठीक है। टू टू राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू रहीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू रतन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो राम को कितना मिलेगा? देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,10,000, जिसमें से 1,10,000 जो होगा उसमें से पहले 10,000 जो है वो चला जाएगा रतन को, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ चाहे तो पूरा भी दिखा सकते थे, रतन का सैलरी की तरह वो दिखा सकते थे, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले रतन को हम लोग सैलरी और कमीशन मिला के कितना देंगे? 10,000। तो फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टू रतन सैलरी प्लस, हम एक साथ लिखते थे, ठीक है, सैलरी प्लस कमीशन हो गया 10,000, ठीक है। यहाँ फिर हम लोग अलग माइनस करके नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। अब 1,10,000 से पहले 10,000 तो हमें पेमेंट कर देना है, तो बचा कितना 1,00,000। और राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट और रहीम का वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और लेकिन रतन को कितना मिलेगा? रतन को मिलेगा जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/10, ये फिक्स्ड है। तो रतन को मिलेगा 11,000, ठीक है। तो रतन को मिलेगा 11,000। हाँ तो देखो राम का कैसा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 1,10,000 में से पहले 10,000 तो चला जाएगा, क्योंकि वो पहला प्रायोरिटी है, पहले रतन को सैलरी और कमीशन देना पड़ेगा। तो 1,10,000 माइनस 10,000 करेंगे तो हम लोग के पास बचेगा 1,00,000। अब राम को क्या मिलेगा? राम को इस 1,00,000 में से 1,00,000 एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, राम और रहीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 3:2 है, वो है 3:2, तो इंटू 3/5। तो देखो 1,00,000 × 3/5 कर देते हैं तो ये आता है 60,000, ठीक है। लेकिन राम का जो भी प्रॉफिट का पार्ट है उसमें से 1,000 कट जाएगा, क्योंकि जो एक्सेस होगा वो राम से चार्ज किया जाएगा। तो ये 60,000 माइनस 1,000 हो जाएगा 59,000। तो पहले अच्छी तरह से समझ लो, 1,10,000 और प्रॉफिट के पहले बाकी सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो सिर्फ इस केस में रतन को मिल रहा है। तो रतन को 1,10,000 में से 10,000 मिल रहा है, तो बच रहा कितना है 1,00,000। 1,00,000 में से राम और रहीम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? 3:2 में, राम का 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने पे 60,000 आएगा, लेकिन उसमें से 1,000 हम लोग रहीम रतन को जो पे करना पड़ेगा एक्सेस वो दे देंगे, तो वो हो जाता है 59,000 राम का। और रहीम का कितना होगा? रहीम का 1,00,000 जो है उसके ऊपर हो जाएगा 2/5 यानी 40,000। 1,00,000 × 2/5, तो ये डायरेक्टली हो गया
40,000। और रतन को क्या मिलेगा एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1,10,000 पे 1/10, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उस पर डायरेक्टली 1/10 मिलेगा। तो अब टोटल कर लो, देखो इक्वल हो जाएगा 1,10,000, 10,000 प्लस 11,000 प्लस 59,000 प्लस 40,000, तो 1,00,000। तो देखो इधर टोटल करने पे आ जा रहा है 1,20,000, जबकि इधर टोटल करने पे आ रहा है 1,10,000। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो क्या है प्रॉब्लम कि क्वेश्चन में साफ नहीं बताया, ये थोड़ा क्वेश्चन का ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है, इसी के वजह से वो टोटल करने पर टैली नहीं हो रहा है। आफ्टर चार्जिंग मतलब ये यहाँ से सैलरी और कमीशन को माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग एक काम कर दो, ये जो रतन का सैलरी एंड कमीशन है यहाँ मत लिखो, इसे बस वर्किंग नोट में चार्ज कर लो, ठीक है। वर्किंग नोट में अगर चार्ज कर लोगे तो ये खुद ब खुद 1,10,000 हो जाएगा। ये या तो ये केस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कितना ऐड करोगे 10,000, मतलब एक्चुअली नेट प्रॉफिट है 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 है तभी तो उसे हम लोग कमीशन और ये क्या बोलते हैं उसे कम सैलरी दे पाएंगे, ठीक है। मतलब देखो बात को समझो, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ी है, देखो ये देखो, अगर 1,10,000 इसमें से अगर हम लोग सैलरी जो है वो 6,000 हो रहा था, कमीशन जो है 4,000, ठीक है, ये पे करने के बाद का दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया, और ये सारा टोटल करो तो हो गया 1,20,000। अब देखो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, ठीक है, 1,20,000 लेस हम लोग पहले क्या दे देंगे सैलरी, फिर लेस क्या कर देंगे कमीशन, फिर लेस क्या कर देंगे रतन का प्रॉफिट जो कि फिक्स्ड हो गया 11,000, फिर राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आया 59,000, और रहीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब चेक करके देखो ये टैली हो जाएगा 6,000 प्लस 4,000 प्लस 1,00,000 प्लस 11,000 प्लस 59,000 प्लस 40,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ये पूरा टोटल हो जाएगा 1,20,000, तब ये हो जाएगा नील। यानी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है कि ये आफ्टर चार्जिंग है, अगर हम लोग 1,10,000 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, 1,10,000 करके अगर यहाँ लिखना है तो हम यहाँ 10,000 नहीं शो कर सकते, क्योंकि आफ्टर डिडक्टिंग दिस है, ठीक है, तो दो बार डिडक्ट नहीं होगा। या तो यहाँ 1,20,000 लिख लो तो इधर दोनों सही रहेगा, और अगर 1,10,000, अब तुम लोग सोचोगे कि अगर एग्जाम में ऐसा होगा तो कैसे पता चलेगा, अभी देखो जैसे मुझे पता चला इधर 1,10,000 था और इधर मेरा 1,20,000 आया था, तो मुझे समझ में आया कि अगर ये 1,20,000 हो रहा है इसका मतलब यहाँ क्लियरली नहीं बताया इधर भी 1,20,000 होगा, 20 ही क्यों हो रहा है, देखो ये 10 और ये 10 और यही वाला यहाँ से आफ्टर चार्जिंग किया हुआ है, इसी के वजह से जिन लोग के पास बुक है वो लोग देखोगे तो वहाँ सोल्यूशन में इन लोगों ने ये वाला पॉइंट नहीं लिया। अगर ये वाला पॉइंट हम लोग को इंक्लूड करना है यहाँ पर सोल्यूशन में तो यहाँ 10,000 क्या करना पड़ेगा ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला हुआ था, इसमें बोला था कि वी केबल एंड लेजी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। वी केबल एंड लेजी 2:1:1, ठीक है। Agreed the interest on capital will be allowed 10% per annum and interest on drawings 8% per annum. No interest will be charged or allowed on current accounts. अगर current account होगा तो interest नहीं मिलेगा, ठीक है। तो interest on capital जो है वो है 10% per annum और interest on drawings 8% per annum. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कैपिटल अकाउंट सबका दिया हुआ है, ओपनिंग करेंट अकाउंट का ओपनिंग दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है। द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 2016 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000 बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि जो जब हम लोगों ने 2016 का अकाउंट ड्राफ्ट किया है तो जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया हुआ नहीं है, ड्राइंग्स माइनस किया हुआ नहीं है, और कुछ एरर है जो हम लोग को रेक्टिफाई करना है। अब देखो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू 750 पेड बाय द फर्म ऑन 30th जून 2016 हैज बीन चार्ज्ड टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब गलती क्या हुआ है,
वीक का खुद का एलआईसी का प्रीमियम था, ठीक है, जो क्या हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के चार्ज हो गया, पर्सनल खर्चा बिजनेस का खर्चा हो गया है, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा वो देखना है। रिपेयर्स और मशीनरी जो है 10,000 डेबिटेड टू प्लांट एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज 20%। जो पहला क्या हुआ, रिपेयर्स जो है वो प्लांट में डेबिट कर दिया गया है और डेप्रिसिएशन जो है वो 20% लगा दिया है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो 3,000 अ पेबल फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म ऑन 30 June 2016 हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, जो एबल का पर्सनल मतलब ट्रिप था ट्रैवल का, उसे बिजनेस का ट्रैवल दिखा दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। हम लोग को क्या करना है, 2016 का जो प्रॉफिट है उसे पहले रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि जितना भी इन लोगों से गलती हुआ, पहला गलती क्या हुआ है, देखो LIC प्रीमियम जो है, समझो LIC प्रीमियम ये किसका है, LIC प्रीमियम जो है वीक का, ठीक है, कितना है 750, जो फर्म ने पे किया है 30 June 2016 को, ठीक है, और ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के चार्ज हो गया है। ठीक है, तो अगर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के चार्ज हो गया है तो इससे तो फर्म का प्रॉफिट कम हो गया होगा, जबकि ये फर्म का खर्चा है ही नहीं, ये वीक का पर्सनल खर्चा है, उसे पर्सनली पे करना पड़ेगा। अभी फर्म दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में तो फर्म को वो वापस करेगा, तो इसलिए प्रॉफिट क्या हो गया है, प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो प्रॉफिट में हम लोग को उससे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसे हम लोग को ड्रॉइंग शो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है देखो, रिपेयर्स वाला जो है, रिपेयर्स जो हुआ है 10,000 का, वो मशीन में हो गया है डेबिट। ठीक है, मशीन में डेबिट हो गया, लेकिन मशीन में डेबिट नहीं हो सकता है, क्योंकि रिपेयर्स जो है, अगर ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू है मतलब ये अगर नॉर्मल रिपेयर्स है, इस रिपेयर से अगर मशीन का जो नॉर्मल कंडीशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो चेंज अगर नहीं होता है, तो उस रिपेयर्स को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। ये तुम लोग का एक चैप्टर भी है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिन लोगों ने पहले किया उन लोगों को तो पता होगा ही, लेकिन बाद में हम अब फिर जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को हम बता देंगे। और वैसे भी देखो यहाँ पर थोड़ा सीख लो, रिपेयर्स और जो है वो अगर ऐसा रिपेयर्स होता है जो प्रेजेंट कंडीशन फिक्स्ड एसेट का चेंज कर देता है, तो हम लोग उसे कैपिटल बोलते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया, यानी रिपेयर्स जो है वो डेबिट हो गया मशीन में। तो मशीन में डेबिट करना मतलब मशीन का वैल्यू बढ़ा देना, जैसे ही हम लोग ऐसा खर्चा करते हैं जिससे कोई भी फिक्स्ड एसेट का करंट कंडीशन ही चेंज हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर हम लोग बोलेंगे हम लोग मशीन को और भी थोड़ा महंगा करती है। ठीक है, तो इसीलिए उसका खर्चा को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जब वो रेवेन्यू होता है वो ऐड नहीं होता है, वो डे टू डे का एक्सपेंस है, एक मेंटेनेंस एक्सपेंस है, तो वो PL में हम लोग चार्ज करते हैं। तो फिर ये जो 10,000 है वो मशीन में डेबिट हो गया है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया प्रॉफिट कम हो गया, इस केस में क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने रिपेयर्स को प्रॉफिट में ना दिखा के क्या कर दिया है, मशीन में डेबिट कर दिया। ऊपर से जैसे ही मशीन में डेबिट किया तो डेप्रिसिएशन जो है वो 20% जब लगा तो वो ज्यादा हो गया है, क्योंकि मशीन का जो वैल्यू था प्लस 10,000 हो गया, अब उस पर जैसे ही 20% लगा है हम लोगों ने तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया, ज्यादा चार्ज हो गया। जैसे डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया तो इसके वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें दो केस हो गया। ठीक है, और सी जो है उसमें देखो, सी में बोला है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है 3,000 का एबल का, ठीक है, उसने क्या किया है, यूके में अपना एक ट्रिप किया है जो जिसका खर्चा 30 June 2016 में वो ये खर्चा पे किया है। ठीक है, फर्म ने पे किया उसके बिहाफ में, लेकिन ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में चार्ज हो गया है, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, जबकि ये इसका पर्सनल ट्रिप था। ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉफिट क्या हो गया है, इसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, जो खर्चा फर्म का है ही नहीं वो हम दिखा रहे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो 60,000 का प्रॉफिट है उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे PL बनाया गया था तो वहां से 60,000 आया, जबकि वो 60,000 का कैलकुलेशन ही क्या है, गलत है। तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो नेट प्रॉफिट ऑन 31 December 2016 60,000। अब इसमें हम लोग
जो भी हम लोग का कंडीशन हुआ है उसके बेसिस में हम लोग ऐड और लेस करेंगे। तो सबसे पहले जो था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि एक पार्टनर का पर्सनल खर्चा था, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसके वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ऐड ड्रॉइंग्स, पर्सनल खर्चा को ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉइंग्स बाय वीक, ठीक है, किस चीज का, LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम जो कि है 750 का, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद था ड्रॉइंग्स बाय एबल, उसे भी ऐड कर लेते, सेम ही है, ड्रॉइंग्स बाय एबल UK ट्रिप, ठीक है, ये था हम लोगों का 3000, ये भी ऐड होगा। इन दोनों के वजह से प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे रिपेयर्स, रिपेयर्स जो रॉन्गली चार्ज्ड टू मशीन। हम लोगों ने 10,000 PL में चार्ज किया ही नहीं, तो प्रॉफिट क्या हो गया है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, उसे हम लोगों को कम करना है। और डेप्रिसिएशन जो है उसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया है, उसके वजह से भी हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा 10,000 पे प्रॉफिट लगा दिया, क्योंकि जो मशीन का दाम था उसमें और भी हम लोगों ने 10,000 जोड़ दिया ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेयर्स को, तो फिर 20% जो है वो 10,000 के ऊपर भी हो गया है, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज जो हो गया, एक्स्ट्रा डेबिटेड, उसे भी क्या करना है, ऐड करना है प्रॉफिट को सही करने के लिए, तो 10,000 के ऊपर 20%, तो फिर 2,000। तो अब रेक्टिफाई कर लेते हैं, 60,000 प्लस 750 प्लस 3,000 माइनस 10,000 प्लस 2,000, 55,750 होगा, 55,750। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, जो भी रेक्टिफिकेशन था उसे हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में करना है पीएल अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है, और हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं इसके बाद, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो भी चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर तीन है, वीक, एबल, लेजी, तो ड्रॉइंग्स, इन लोगों का ड्रॉइंग्स कितना कितना है देख लेते हैं, 15,000, 10,000, 10,000, 10,000, ऐड करेंगे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऐड इसलिए करना है क्योंकि इन लोगों का जो ड्रॉइंग्स है, वीक ने अपना जो LIC का ड्रॉइंग्स किया है उसे भी ऐड करना है, इसका ड्रॉइंग्स का वैल्यू बढ़ाना है, साथ ही साथ एबल का जो ट्रिप था, UK वाला जो ट्रिप था जो था 3,000, वो भी ऐड करना है। लेजी का ऐसा कोई एडजस्टमेंट था नहीं, मैंने तीनों पार्टनर लिख लिया था इसीलिए यहाँ पर लेजी का नाम भी लिख दिया, जबकि इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं चाहिए हम लोग, क्योंकि इसने कोई पर्सनल ड्रॉइंग्स नहीं किया था। तो इन लोगों का ड्रॉइंग्स जो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉइंग्स ये बन जाएगा। अब इंटरेस्ट हम लोग चाहे तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो चाहे पीएल अप्रोप्रिएशन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं, 8% था शायद, हाँ 8% था, तो 15,750 के ऊपर 8% लगा दो तो हो गया 1260, 13,000 पे 8% लगाएंगे तो 1040, 10,000 पे 8% लगाएंगे तो हो गया 800। अच्छा, तो यहाँ इंटरेस्ट कब तक का है वो हम लोग को चेक करना है, 8% पर एनम दिया हुआ है, हाँ, लेकिन ड्रॉइंग्स जो है, अच्छा देखो ड्रॉइंग्स जो है यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, ठीक है, मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग, कुछ भी नहीं बोला है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग उसे मिडिल ऑफ द मंथ मानेंगे, तो ये सारा ही ड्रॉइंग्स हो जाएगा इस तरह से, ये 15,750 इंटू 8%, मैंने ये पूरे एक साल का कर लिया इसलिए डायरेक्ट 8%, लेकिन सबको आधा आधा करना है, क्योंकि कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 6 months मतलब मिडिल ऑफ द मंथ, तो इंटू 6/12 करना चाहिए, तो ठीक है, तो हम लोग इसे
इन 6/12 करेंगे तो 15,750 इंटू 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 तो हो जाएगा 630। बेसिकली ये सारे को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये अगर पूरे साल का है आधा साल का हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 630, 520 और 400 ये तुम लोग को याद रखना है, जब भी कुछ इन मतलब मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तो हम लोग उसे हमेशा मानेंगे कि ये मिडिल ऑफ द मंथ का है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 55,750। By interest on drawings 6/30 मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया, जो पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था 630, 520 और 400 तो टोटल हो गया 0, 3, 2, 5, 16, 15, 50 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वीक एबल और लेजी। अब कैपिटल इन लोग का जो है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, तो कैपिटल है 75, 40 और 30,000 तो 75 के ऊपर 10% 7,500, 4,000 और ये हो गया 3,000 तो ये हो जाएगा 14,500। अब टोटल करके प्रॉफिट निकालते हैं टू पार्टनर्स। अब यहां हमें क्या लिखना है, करंट अकाउंट, क्योंकि जैसे ही कैपिटल और करंट दिया हुआ है इसका मतलब ये फिक्स्ड मेथड है, तभी तो दो अकाउंट ये लोग मेंटेन कर रहा है, तो जो भी कैपिटल के अलावा जो भी एडजस्टमेंट होता है वो चला जाएगा करंट अकाउंट में, इसलिए हम लोग यहाँ करंट अकाउंट लिखेंगे। अगर यहाँ कोई कैपिटल अकाउंट लिख देता है तो वो गलत हो जाएगा। 55,750 + 1,550 तो हो गया 57,300 -14,500 तो हो गया 42,800 और 2:1:1 में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4:2 तो हो गया 21,400 10,700 और 10,700 तो ये पीएल एप्रो कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को करना है अच्छा क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला है शायद, एक मिनट हम चेक करते हैं क्या क्या बोला है क्वेश्चन में प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, अब बोला है सिर्फ करंट अकाउंट बनाने, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, तो करंट अकाउंट तो तीनों का करंट अकाउंट बनाएंगे वीक एबल और लेजी। तो करंट अकाउंट का पहले बैलेंस देख लेते हैं क्या है, कैपिटल और करंट अकाउंट बात एक ही है, बस जब हम लोग फिक्स मेथड यूज करेंगे तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा बाई बैलेंस बी डी 10,000 5,000 और कैपिटल कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, अगर डेबिट है तो नेगेटिव है तो टू बैलेंस हो जाएगा, डेबिट है ना तो वीक एबल और लेजी, लेजी का डेबिट बैलेंस है जो है 5,000। अब इन्हें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7,500, 4,000 और 3,000 ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का वैल्यू है 15,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो है 630, 520 और 400 टू
ड्राइंग्स या फिर कैश बोल के हम लोग लिख सकते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स है कितना कितना, ड्राइंग्स है 15,000, 10,000, 15,000, 10,000, 10,000। अच्छा इसमें रेक्टिफिकेशन भी तो करना था, तो ठीक है यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, टू LIC प्रीमियम लिख देते हैं, वो था वीक का 750, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऐसा नहीं लिखने से भी होता, मैंने लिख दिया इसीलिए, तुम लोग चाहो तो टोटल ड्राइंग्स को भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000, मतलब डायरेक्ट जो मैंने यहाँ ऐड किया था ना 15,750, 13,000 और 10,000, ये भी लिख सकते थे तुम लोग, ठीक है। वो मैं हम गलती से यहाँ लिख दिए इसीलिए इस तरह से इसे कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा हेजीनेस ना आ जाए। नेक्स्ट और क्या जाएगा, इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा बाय PL Appro 21,400, 10,700, 10,700। अब हम लोग को देखना है कि बैलेंस कितना आ रहा है। तो पहले लेजी का जो है वो टोटल करते हैं 10,000, 15,400 और ये 13,000, तो इधर ही बैलेंस आएगा 15,400, ठीक है। और इधर भी लिखते हैं 15,400 माइनस 10,700 माइनस 3,000, तो ये हो गया 1,700 बाय बैलेंस CD। अच्छा ये है 10,000, 13,520 और इधर हो जाएगा 10,014 और ये ज़्यादा होगा 10,700 प्लस 4,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया 19,700 माइनस 520 माइनus 10,000 माइनus 3,000, तो 6,180। इधर टू बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD 6,180, 21,400 प्लस 10,000 प्लus 7,500, तो हो गया 38,900 -15,000 -630 -750, तो हो गया 22,520, टोटल 38,900। तो ये कंप्लीट हुआ करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट दिन का जो होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट दिन जो होमवर्क दिए थे, ठीक है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और लास्ट दिन मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर दिया था, तो इलास्ट्रेशन वन जो था वो हम लोग पहले सॉल्व करते। इलास्ट्रेशन वन में दिया हुआ था कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2002 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो पहले केस ए ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये जो क्वेश्चन करें इस पर इंटरेस्ट है 10% पर एनम और हम लोग को सारा 31st December 2002 कैलकुलेट करना है। तो केस ए में बोला गया है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पूरे साल भर का ड्राइंग्स दिया हुआ है 24,000, मिडिल है, बिगनिंग है, एंड है, ये कुछ भी नहीं बोला है। तो 24,000 इंटू हम लोग को कितना करना है 10%, और अभी मैंने बताया उसे हम लोग फिर आधा मानेंगे 6/12। और इस केस में देखो तुम लोग बोलोगे ये तो पूरा टोटल ड्राइंग्स है, ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स है मतलब इंटू कितना किया हुआ है, इंटू 12 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 12, फैक्टर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इंटू 12 है। अब ये इंटू 12 क्यों पता चल रहा है, ये ड्यूरिंग द ये पर मंथ नहीं है, ठीक है, ये टोटल है, जैसे टोटल देगा वैसे हम लोग डिवाइडेड बाय यहाँ कितना लगाएंगे 12, तो 24,000 × 10% × 6/12, तो हो गया 1200। केस बी जो था वो देखो, केस बी में क्या दिया हुआ है, केस बी में दिया हुआ है 2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 2000 × 10% और बिगिनिंग होने से होता है 6.5, तो देखो आंसर क्या आएगा 2000 × 10% × 6.5, तो आंसर आ गया 1300। अब हम लोग इसे और एक तरह से भी कर सकते हैं, देखो जैसे इसको किया हुआ है, अगर हम लोग इसे टोटल ड्राइंग्स के हिसाब से करते हैं तो 2000 × 12 × 10% × 6.5, जैसे यहाँ 12 होगा यहाँ भी 12 लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ये देखो 2000 × 12 × 10%
इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 तो हो गया देखो 1300। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ 12 लगाने से यहाँ भी क्या करना है, 12 लगाना है, और अगर नहीं लगाएंगे तो दोनों में ही नहीं लगाएंगे। केस सी जो था, ठीक है, केस सी में है 2000 विथड्रू हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड होने से क्या होता है 5.5 होता है, तो 2000 इंटू 10% इंटू 5.5 तो हो गया 1100। इसमें भी सेम है, अगर यहाँ 12 लगाओगे टोटल ड्राइंग्स करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12। केस डी देखो, विथड्रू है, सिर्फ बोला है 2000 पर मंथ और कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 2000 इंटू 10% इंटू 6 फैक्टर लगाएंगे, अगर इधर 12 करेंगे तो इधर भी 12 करना पड़ेगा, 2000 इंटू 10% इंटू 6 तो हो गया 1200। ठीक है, ये फैक्टर। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम फर्स्ट वाले में फिर 12 क्यों लगाए, यहाँ टोटल किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग केस ई के तरफ बढ़ते हैं। केस ई देखो, केस ई में क्या दिया हुआ है, इफ विथड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स एज फॉलोस, तो देखो 31 जैन को, सॉरी जैन मतलब वन हो जाएगा 6000, ठीक है, 31 मार्च को 4000, 1 जुलाई 8000, ठीक है, और 30 सितंबर 3000 और 1 नवंबर 5000। ठीक है, अब इसको हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो नो फैक्टर इज एप्लीकेबल हियर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 6000, ये डेट मैंने लगा लिया है, ये 6000 और जैन से लेकर दिसंबर, जैन का एंडिंग है तो 10% तो सब में एप्लीकेबल होगा, इंटू डिवाइडेड बाई 12 सब में होगा, सिर्फ हमें मंथ कैलकुलेट करना है, तो 31 जैन से है तो दिसंबर तक लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, मार्च का एंड है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9। ठीक है, ये जुलाई का स्टार्टिंग है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया 6 और ये सितंबर का एंड है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हो गया 3, ये नवंबर का एंड है तो ये हो गया दिसंबर, एंड नहीं है सॉरी स्टार्टिंग है, तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स। अब सारा कैलकुलेशन करेंगे और ऐड कर लेंगे, तो 6000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 तो हो गया 550, 4000 इंटू 10% इंटू 9/12, 4000 इंटू 10% इंटू 9/12 तो हो गया 300 और 8000 इंटू 10% इंटू 6/12 तो हो गया 400 और 3000 इंटू 10% इंटू 3/12 तो हो गया 75, 5000 इंटू 10% इंटू 2/12 तो 83.33। अब सारा ऐड करेंगे, प्लस 550 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 75 तो 1408.33। ठीक है, अगर चाहो तो तुम लोग इसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, तब हो जाएगा 6000 इंटू 11 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4000 इंटू 9, 8000 इंटू 6, 3000 इंटू 3, 5000 इंटू 2, उसके बाद इंटू 10% इंटू 1/12 तो भी सेम आंसर आएगा। तो तुम लोग हर तरह से जो भी हम सिखा रहे हैं तुम लोग उसे खुद से हर सम्स में अप्लाई करोगे और आंसर के साथ टैली करोगे तो तुम लोग का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम लोग भी हर एक तरह से कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, केस एफ जो था, विथड्रू है 6000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6000 और बिगिनिंग होने से पहले 10% लगा लेते हैं, बिगिनिंग होने से हो जाता है क्वार्टर के केस में 7.5, लेकिन मैंने इसके पहले भी समझाया ये तो डिवाइडेड बाय 4 करके है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसे इंडिविजुअली करेंगे तो उसमें डिवाइडेड बाय 12 आ जाता है, तो उसके लिए अगर यहाँ हमें डिवाइडेड बाय 12 करना है तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय,
अच्छा यहाँ तो डिवाइडेड बाय 12 वो तो कॉमन फैक्टर में आ ही जाएगा, और 7.5 आया है डिवाइडेड बाय 4 करके, तो यहाँ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 4, यानी टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाय 12। वो देखो मैंने पहले भी समझाया था, फिर से एक बार ये समझा देते हैं, ये कन्फ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को। तो पहले देखो 6000 10% रेट पे पहला क्वार्टर जो है, इसका आंसर पहले निकाल लेते फिर बताएंगे। 6000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, इसका आंसर हो गया है 1500। अब हम लोग देखो जो लेंदी मेथड है उससे करते हैं, तो 6000 इंटू 10% और क्वार्टर के एकदम स्टार्टिंग में होगा, तो पहला हो जाएगा हम लोगों का जैन, फिर पहला हो जाता है हम लोग का, एक मिनट मैंने ड्रॉप किया था लास्ट दिन तुम लोग को जब समझाया था, तो उसमें उसमें हो जाएगा 12/12, पहले वाले में होगा 12/12, दूसरे वाले में 9/12, उसके बाद 6/12, उसके बाद 3/12, इस तरह से होता है क्वार्टर के केस में। तो 6000 इंटू 10% इंटू 10%, तो अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ये तो हो जाएगा 600, ठीक है, और ये हो जाएगा 6000 इंटू 10%, ये हो गया 600 इंटू 9/12, तो हो गया 450, और 600 डिवाइडेड बाय 12, 50 इंटू 6 300, और 50 इंटू 350 150, तो ये हो गया 0 1500, ठीक है, समझ में आया 1500। अब देखो क्यों हम लोग इंटू 4 कर रहे हैं, अब जैसे ही हम लोग ये पोर्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 6000 इंटू क्या कर लेंगे 10% इंटू 1/12, ब्रैकेट में लिखेंगे 12 + 9 + 6 + 3, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10% हो जाता है हम लोगों का 600 इंटू 1/12 इंटू ये हो जाएगा टोटल करने पे 9 9 18 18 + 12, ये हो जाता है 30, और क्वार्टर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे ही देखो यहाँ तो कहीं भी 4 का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि क्वार्टर का फैक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 30/4 का जो फैक्टर होता है वो 7.5 होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखते हैं 6000 इंटू 10% इंटू ये हो जाएगा 12 + 9 + 6 + 3, तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 1/12 इंटू 30/4 हम लोग कर लेते हैं 4 फैक्टर के लिए, तो 6000 इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू ये हो जाएगा 7.5। जैसे ही 7.5 किया इस कंसेप्ट में आ गया जो मैंने किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैंने इंटू 4 किया था। इंटू 4 करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो 7.5 यूज़ करें वो फॉर फैक्टर यूज़ करें, जो कि ये लेंदी प्रोसेस पे कहीं पर भी ना तो कॉमन 4 है ना तो 4 का कोई कंसेप्ट है। जैसे ही हम लोग यहाँ डिवाइड 4 करेंगे फॉर द रीजन ऑफ फैक्टर, वैसे ही हम लोग को इंटू यहाँ क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 4, तो आंसर आ जाएगा 1500। तो सीधा सा बात है, जब भी तुम लोग क्वार्टर में करोगे तो टोटल ड्राइंग्स लेना है, जैसे टोटल ड्राइंग्स लोगे तो डिवाइडेड बाय 12, तुम लोग फैक्टर याद रखो, बस तुम लोग को डिवाइडेड बाय 12 करना और इंटू जितने पीरियड के लिए टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, टोटल ड्राइंग्स याद रखो 6000 करके 4 बार। अब हम लोग आगे का सम्स भी करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अब केस जी देखो, 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो जाएगा वैसे ड्राइंग्स 3 बार हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ड्राइंग्स तो 4 ही बार होगा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है 10%, और जैसे एंड होता है उसका रेट होता है 4.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 6000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो हो जाएगा 900। और केस जो एच है 6000, ठीक है, बोला है कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो क्या होगा वो देखो, मिडिल होने से होता है 6 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, तो 4 बार तो ड्रॉ होगा, 4 क्वार्टर तो है क्योंकि पूरा साल है, चाहे एंड में हो चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे मिडिल में हो, तो इसका आंसर हो जाता है
ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 1200, ठीक है। ये हो गया इलास्ट्रेशन वन। अब इलास्ट्रेशन टू जो था उसमें एक प्रॉब्लम था क्वेश्चन में, उसका डेट 31 दिसंबर 2003 होगा ना कि 31 दिसंबर 2004। उसका क्वेश्चन ये था कि एक्स और वाई जो है उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख और 3 लाख कैपिटल से, उन लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 10% पर एनम के बेसिस पे, और वो करना है हम लोग को 31 दिसंबर 2003 तक, ठीक है। तो केस ए से स्टार्ट करते हैं। केस ए जो है उसमें क्या है, उसमें बोला है ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे साल भर का है, 18,000 इंटू करना है हम लोग को, रेट है 10% इंटू, जैसे ही साल भर का हम लोग को करना है। अब साल यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये पूरा सम्स जो है जितना भी केस है वो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 9 मंथ्स के लिए है। तो जैसे हम लोग पूरे साल का आधा करते हैं कुछ मेंशन नहीं रहने से, तो 9/2 कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, 9/2 करना पड़ेगा 2, तो 9/2 करेंगे तो हम लोग को आधा मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। मतलब देखो ये कंसेप्ट, जैसे हम लोग ये वाला किए, जैसे यहाँ पर जो है केस वन देखो, यहाँ पर 6/12 किया, 6 क्योंकि पूरे साल का आधा कुछ मेंशन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर पूरा साल क्या है, फुल ईयर जो है वो 9 मंथ्स का है, फुल ईयर नहीं मतलब फुल टाइम ड्यूरेशन जो है 9 मंथ्स का, अगर कुछ मेंशन नहीं है टाइम ड्यूरेशन का आधा करना है तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू उसका आधा करेंगे तो 4.5/12, तो 4.5/12 इसका आंसर देख लेते हैं, 18,000 इनटू 10% इनटू 4.5/12 तो हो गया 675। केस बी, विथड्रू बोला है 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 2000 पर मंथ, तो कितना मंथ है, 9 मंथ्स है, ठीक है। तो दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, देखो एक तो इस तरह से कर सकते हैं, इस केस में इस तरह से इजी हो जाएगा, 2000 इंटू 9 कर देते हैं, टोटल ड्राइंग्स के हिसाब से करेंगे तो इजी होगा, और रेट जो है वो है 10%, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा हम लोग का 9 मंथ्स है, उसमें फैक्टर चेंज हो जाएगा, देखो जैसे ही 9 मंथ्स होगा तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 9 मंथ्स का बिगिनिंग, तो 9, 8, 7, 6, 5, तो उस केस में 12, 11, 10 वो सब हट जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 9+8+7+6+5+4+3+2+1 तो हो गया 45/12, यानी 3.75 हो जाएगा फैक्टर, 3.75 का हो गया फैक्टर। और अगर हम लोगों ने यहाँ 9 लगाया तो यहाँ पर भी इसको देखो किस तरह से करते हैं, 2000 × 10% × 3.75 तो हो जाएगा 750। इसका 9 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, 9 लगाएंगे तो फिर अलग कंसेप्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय भी क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा, जैसे डिवाइडेड बाय हम लोगों ने 12 किया था, तो 2000 × 10% × 3.75। अब 3.75 क्यों हो रहा है सुन लो, क्योंकि ये 9 मंथ्स का है, तो 9 मंथ्स में फैक्टर ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाय हो गया 12, तो इसमें हो जाएगा 3.75। तो फैक्टर लग गया, मंथली था इसलिए 2000, अगर यहाँ इंटू 9 करते 9 मंथ्स के लिए तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ता, तो 2000 × 10% × 3.75। और केस सी देखो, 2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 2000 × 10%, और जैसे एंड ऑफ एवरी मंथ हो जाएगा 9 मंथ्स, ड्यूरिंग 9 मंथ्स वाला सम्स है, तो 9 हट जाएगा, 875 हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो हो गया 36/12, तो 3 हो जाएगा फैक्टर, तो 2000 × 10% × 3 तो आंसर हो जाएगा 600। ये देखो फैक्टर कैसे निकाल लिया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3। इसीलिए मैंने ये सिखाया था ताकि तुम लोग इजीली इसे कर सको, सारा फैक्टर याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केस सी के बाद केस
डी करेंगे, ठीक है। केस डी में विथड्रू 2000 पर मंथ, ना तो कुछ मंथली बताया है, मतलब बिगिनिंग ना तो एंडिंग कुछ नहीं बताया है, तो इस केस में हम लोग को इस तरह से करना है 2000, ठीक है। एक मिनट इसे फिर से चेक करते हैं। हाँ, विथड्रू 2000 पर मंथ बोला है, तो 2000 पर मंथ तो कुछ नहीं बताया है, यानी 2000 इंटू हमें क्या करना चाहिए, मिडिल ऑफ द मंथ मान लेना चाहिए। तो 2000 इंटू क्या हो जाएगा, 10% इंटू 4.5, अभी बताया था 9 मंथ्स का है तो 9/2 यानी 4.5, तो 2000 इंटू 10% इंटू 4.5 तो हो गया 900। अच्छा, तो यहाँ 4.5/12 लगना चाहिए और यहाँ पर लगना चाहिए 9। अच्छा, ये चेंजेस होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स जो है ड्यूरिंग द पीरियड बोला है, तो 2000 टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 18000, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, तो 18000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 तो हो जाएगा 675, जस्ट लाइक क्वेश्चन केस ए, केस ए की तरह ही होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेरा क्या रॉन्ग क्या हुआ, देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 9 और 12 दोनों अलग अलग है ना, ये डिवाइडेड बाय 12 होगा क्योंकि 9/2 इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो आधा करना है हम लोग को, आधा करने पे फैक्टर हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, और तुम लोग अगर चाहो तो इसे अलग अलग इलाबोरेट करके भी देख सकते हो। तो और यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 2000 इंटू 9। केस ई देखो, केस ई में क्या बताया, केस ई में बताया है कि विथड्रू 6000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 6000 ठीक है इंटू 10% इंटू, जैसे क्वार्टर बोलेगा तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स लगाना है, तो इंटू कर दिया मैंने, और बिगिनिंग यानी 7.5, और 7.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7.5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर एक चेंजेस होगा, रुको वो समझाते हैं पहले। केस ई इसमें पहले क्वार्टर कितना सारा हो जाएगा, क्योंकि 9 मंथ्स पीरियड है, देखो 9 मंथ्स पीरियड है ना, तो फिर क्वार्टर तो 3 ही बनेंगे, ठीक है। 9 मंथ्स में क्वार्टर 3 ही बनेंगे, 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। तो अगर 3 बनेंगे तो बिगिनिंग होने से पहला कितना हो जाएगा, 9 + 6 + 3, 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, तो क्वार्टर का फैक्टर कितना होगा 6, फैक्टर चेंज हो जाएगा। अब टोटल केस, मैंने जो क्वार्टर का सिखाया, क्वार्टर में हमेशा तुम लोग को टोटल ड्राइंग्स लगाना है, तो 6000 कितने क्वार्टर है, 3 इंटू 3 करेंगे, इंटू कर देंगे 10% जो कि रेट है, और 6 जो फैक्टर है डिवाइडेड बाई हम लोग को क्या लगाना है हमेशा 12, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉमनली आ ही जाता है जब हम लोग इसे लेंथी मेथड में करते हैं, तो डिवाइडेड बाई ये 9/12, ये 6/12, ये 3/12 हो जाता है, तो 6000 इंटू 3 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 तो हो गया 900। केस एफ और जी देखते हैं। केस एफ में देखो बोला है विथड्रू 6000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो सेम कंसेप्ट, 6000 तीन बार ड्रॉ होगा, 10% एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो जाएगा, तो उसमें से देखो 9 हट जाएगा, ठीक है, तो फिर 6+3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 6+3 डिवाइडेड बाय 2 इस केस में, तो 6+3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5/12 ये हो जाएगा 6+3 डिवाइडेड बाय 2, तो दो क्वार्टर हो रहा है, तो इस तरह से होगा, तो 18000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 तो हो जाएगा 670। मैंने 2 कर दिया, सॉरी 2 थोड़ी होगा, ये 3 होगा ना, क्वार्टर तो इस पूरे पीरियड में 3 है, तो ये हो जाएगा, मैंने गलती से 2 कर दिया, तो ये 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो गया 18000 डिवाइडेड बाई 18000 इंटू 10% इंटू 3/12 तो हो गया 450, ठीक है। और केस जी जो है उसमें बोला है 6000 पर क्वार्टर, ना तो बिगिनिंग ना तो मिडिल ना तो एंड, तो 6000 ये पूरा जो क्वेश्चन ही वो 9 मंथ्स का है, तो 3 बार ड्रॉ कर पाएगा, 10% गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है, तो मिडिल मानेंगे, तो मिडिल मानेंगे क्वार्टर के मिडिल में। तो इस केस में देखो क्वार्टर के मिडिल में क्या होगा, ये तो इस तरह से है, तीन क्वार्टर है, तो क्वार्टर के मिडिल में यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ये पहला हो जाएगा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, और यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट। तो इसमें देखो क्या होगा, लास्ट का 3 ले लेंगे, ठीक है, जो मैंने लास्ट दिन सिखाया था 7.5। ये देखो यहाँ 3 महीना 3 महीना, ये एक एक क्वार्टर में 3 3 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स, और यहाँ पर 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में आधा लेना है, तो फिर एक मंथ तो चला गया और एक पूरा और एक आधा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 7.5, उसके बाद वाला 4.5 1.5, 3 क्वार्टर है तो डिवाइडेड बाई 3, तो हो गया 4.5, और डिवाइडेड बाई क्या करना है 12, तो 18,000 × 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। तो इसमें आंसर आ जाएगा 675। तो देखो ये जो प्रोसेस है, इसका कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ लोगे तो इससे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं होगा। बस तुम लोग को ये देखना है, जब भी क्वार्टरली रहेगा तो तुम लोग को क्या करना है, टोटल ड्रॉइंग्स करना है, मतलब पर क्वार्टर ड्रॉइंग्स इंटू नंबर ऑफ क्वार्टर इंटू रेट इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाई 12। क्वार्टर में हमेशा ये तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इलास्ट्रेशन 3 है, उसमें बोला गया था कि मिस्टर एक्स एंड वाई जो है, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख और 3 लाख से, कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स 10% पर एनम रेट पे, 3 केस दिया हुआ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स विथड्रू 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 2000 एंड और रिमेनिंग मंथ्स ही विथड्रू 2000। अच्छा, तो डेट जो है वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट ड्राइंग स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल यानी 1/4 से स्टार्ट हुआ है, और पहला 3 जो ड्राइंग्स है बिगिनिंग है, तो 1 अप्रैल 1 मई यानी हो गया 5 1/4 1/5 1/6, तो इसमें है 2000 और 2000। तो इस केस में क्या आंसर आएगा, देखो अगर बिगिनिंग है तो क्या आंसर आएगा, बिगिनिंग है तो हो जाएगा 2000, ठीक है, इनटू बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बिगिनिंग में है 6.5। देखो इसमें फिर से वही प्रॉब्लम, ये 1 अप्रैल से दिसंबर तक का है, तो 6.5 तो पूरे 12 मंथ्स के लिए, तो इसमें हो जाना चाहिए 3.75, जो मैंने लास्ट में भी कैलकुलेट करके दिखाया था। तो ये देखो 2000 × 10% × 3.75, तो इसका आंसर हो जाएगा 750। इसको हम और एक तरह से भी तुम लोगों को करके दिखाएंगे, पहले इस तरह से दिखाते हैं। फिर केस बी जो है, उसमें बोला गया है कि विथड्रू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 2000 × 10% × एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब क्या होगा, एंड का फैक्टर हो जाएगा, ये जो है वो डेट का स्टार्टिंग है नेक्स्ट 3 मंथ, तो अप्रैल मई जून हो गया, तो जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई एंड हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका हो जाएगा 1.25, तो 1.25 × 10% × 2000। तो ये हो गया 250, तो एक 250 और एक हुआ है हम लोग का 750, तो एक काम करते हैं फैक्टर लिख लेते हैं, शायद मेरा फैक्टर यहाँ गलत हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। अगर हम लोग को क्या करना है, ड्यूरिंग द 3 मंथ्स विथ जो एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो फिर जून के बाद जुलाई यानी 31 जुलाई, तो ये 7 हो गया, जुलाई 31 अगस्त 30 सितंबर, ठीक है, एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स का एंड था, तो जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई का एंड हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 मंथ्स, ये 4 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, तो 5 + 4 + 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 + 4 9 9 + 3 हो गया 12, तो 12 / 12 यानी 1 हो जाएगा फैक्टर, तो 2000 × 10% × 1 इक्वल टू हो जाएगा 200। और केस सी जो है उसमें क्या होगा, देखो उसमें कुछ नहीं बोला, यानी मिडिल मान लेंगे, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, तो
15th अक्टूबर मान लेते, 15th अक्टूबर, 15th नवंबर और 15th दिसंबर। तो इस केस में हो जाएगा अक्टूबर का 15 से लेके दिसंबर तक हो जाएगा यहाँ पर 2.5, इस केस में 2.5, इस केस में 1.5 और इसमें हो गया 0.5। दिसंबर का आधा, ये नवंबर का आधा और यहाँ पर दिसंबर का, यहाँ नवंबर से दिसंबर 1 month, ठीक है, और यहाँ पर आधा, तो 1.5 हो जाएगा, डेढ़ महीना। और ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि अक्टूबर से लेके अगर हम लोग दिसंबर तक जाएंगे तो अक्टूबर 10 टू नवंबर, मतलब अक्टूबर 15 टू नवंबर 15 1 month और यहाँ पर 15 डेज, तो हो गया 2.5। तो फिर टोटल करो, यहाँ पर हो जाएगा 2.5, 1.5 और 0.5, 2.5 प्लस 1.5 एंड 0.5, तो हो गया 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.375। तो आंसर हो जाएगा 2000 इंटू 10% इंटू 0.375, तो ये हो जाएगा 75। और बिगिनिंग वाला भी शायद थोड़ा रॉन्ग है, बिगिनिंग वाले का भी हम लोग फैक्टर चेक करते हैं, अप्रैल से लेके हम लोग को चेक करना है दिसंबर तक, तो ये हो गया 9 months, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, उसके आगे तो करना नहीं था, मैंने ज़्यादा कर लिया, 7, 6, 8, उस तरह से तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो जून तक का ही है, ठीक है, तो 8 + 7 + 9, तो ये 9 और 8 हो गया 17, 17 + 7 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 2, तो 2000 इंटू 10% इंटू 2, तो हो गया 400, तो 400 प्लस 200 प्लस 75, तो 400 प्लस 200 प्लस 75, तो ये हो गया 675। अब इसको और एक तरह से हम लोग करेंगे, देखो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, फिर हो जाएगा 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, फिर 15th वाला 15, 10, 15, 11, 15, 12, इसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ड्राइंग्स का अमाउंट सब में क्या है, सेम है 2000, 2000, ये हम डॉट डॉट दे देते हैं, ठीक है, तो ये सारा सेम है 2000 एज पर हमारा क्वेश्चन। अब अप्रैल से लेकर दिसंबर होता है 9 months, मई से लेकर दिसंबर होता है 8 months, जून से लेके दिसंबर होता है 7 months, ठीक है, फिर जुलाई के एंड मतलब अगस्त से लेके दिसंबर होता है 5 months, ठीक है, फिर अगस्त का एंड यानी सितंबर से लेके अगर हम लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होता है 4 months, ये हो जाएगा 3 months, वैसे ही 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक होगा 15 अक्टूबर, तो नवंबर पूरा और दिसंबर का आधा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 months, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 0.5, और अमाउंट के हिसाब से प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000, ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 2.5 × 2, ये 5,000 और 1.5 × 2 3,000 और ये हो गया 0.5 × 2,000, तो इसका टोटल करेंगे 3 × 1 = 4, 4 = 6, 10, 10 + 5 = 15,000, 15,000 और 8,000, 15 + 8, तो ये हो गया 23,000 और ये हो गया 10, 10, 10, 30, 40, 50 + 8, तो ये हो गया 81,000, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से निकाल लिया हम लोगों ने। अब 81,000 इंटू 10% इंटू 1/12, तो आ गया 675, इस तरह से भी तुम लोग कर सकते हो, तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो देखो हम ये इसीलिए बताएं क्योंकि मेरा कंसेप्ट भी वही है, अगर फैक्टर करेंगे तो ये देखो मैंने वही किया है, 987 का फैक्टर किया है, एक जगह पे मैंने 543 का फैक्टर किया और एक जगह पे मैंने 2.5, 1.5 और 0.5 का फैक्टर किया, तो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, उसी कंसेप्ट में मैंने इसको किया है।
नेक्स्ट था एक इलास्ट्रेशन फोर जो था, देखो इलास्ट्रेशन फोर जो था वो तो बहुत ही इजी था, वो था 10% किया है ड्यूरिंग द ईयर 24,000, कुछ नहीं बोला है, टोटल ड्राइंग्स है तो 24,000 इंटू 10% इंटू क्या करना है हम लोगों को, ये बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ़ यू विथड्रू 24% ड्यूरिंग द 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग आधा नहीं करेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2,400, क्यों, बिकॉज यहाँ पर दिया हुआ है 10%, नॉट 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% नहीं मिलेगा, ओवरऑल 10% मिलेगा। जब क्वेश्चन में पर रेट के पीछे पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग ये पूरे साल का इंटरेस्ट मानेंगे, 10% पर एनम नहीं, 10% हो जाएगा मतलब ओनली 10% ही मिलेगा, जितना ड्रॉइंग्स होगा ओनली 10% चार्ज होगा, इसीलिए 24,000 इंटू 10%। अगर पर एनम होता, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता 10% पर एनम, तो इसे हम लोग 12 मंथ्स नहीं मानते, इसे हम लोग मान रहे हैं 12/12 बिकॉज ये दिया हुआ है, और अगर ये दिया हुआ रहता तो हम लोग इस तरह से करते 24,000 इंटू 10% जो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन वन के केस ए में किया था, पर एनम था इसीलिए हम लोगों ने किया था 6/12, जिसका आंसर आया था 1200। तो डिफरेंस समझो, अगर पर एनम दिया हुआ है तो हम लोग हर साल में है, तो फिर ये कुछ नहीं बोला है तो आधे साल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता कि 24,000 का कब ड्रॉ हुआ था, बिगिनिंग या एंडिंग, और ये सिर्फ 10% बोला है, मतलब तुम कभी भी ड्रॉ कर लो, कितना भी ड्रॉ कर लो, तुम्हें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 10%। That's why. अब illustration 5 में देखो क्या है, X और Y दोनों ने business start किया है 1st April 2003 with capital 5 lakh and 3 lakh. There is no withdrawal or addition of capital during the year. Calculate करना है interest on capital if the books on accounts are closed on 31st March or 31st December. और अगर 31st March को books of accounts close होता है तो क्या होगा, interest of X. तो देखो X ने कितना capital दिया है, 5 lakh. ठीक है, कोई भी एडिशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, यानी 12/100। अब ले लो 31st मार्च तक कैलकुलेट करना है, अप्रैल से लेके तो पूरा 12 महीना, अप्रैल टू मार्च 1 ईयर होता है, तो ये हो गया 60,000। और इंटरेस्ट ऑफ वाई इसका है 3 लाख 12/100, और इसका भी हो जाएगा 12/12, तो हो गया 36,000। ठीक है, चाहो तो तुम लोग इन दोनों का टोटल कर सकते हो, और अगर 31st दिसंबर तक लेंगे तो फिर X का हो जाएगा 5 लाख इंटू 12% इंटू, काउंट करो दिसंबर तक, अप्रैल मई जून, अभी तो काउंट किया था हम लोगों ने लास्ट सम्स में, 9 मंथ्स होता है तो 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। Y का भी सेम 3 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12, तो इसका आंसर होता है 45,000, और इसका आंसर होता है 27,000। ठीक है, ये लगभग बहुत जिन लोगों ने मुझे सॉल्व करके दिखाया ज़्यादातर लोगों का सही था। ठीक है, इलास्ट्रेशन सिक्स में देखो, X और Y दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख और 3 लाख 1st मई 2003, X ने और भी एडिशन किया है कैपिटल 1 लाख और Y ने विथड्रू किया है 50,000, और 1st अक्टूबर को X ने विथड्रू किया है 2 लाख फ्रॉम इस कैपिटल और Y ने इंट्रोड्यूस किया है 2,50,000। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था। तो X का देखो 5 लाख पहले था, ठीक है, 5 लाख का 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, एक हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 12/12, ठीक है, X का पहले, और Y ने पहले दिया है 3 लाख, ठीक है, इंटू 6% इंटू 12/12, तो यहाँ हम X का कॉलम करते हैं, यहाँ Y का कॉलम करते हैं, तो X का हो जाएगा 30,000, ठीक है, और Y का हो गया 18,000, इस तरह से कर ले रहे। फिर X ने एडिशन जो किया है, एडिशन X ने किया है 1 लाख, ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और एडिशन जो किया है वो उसका डेट है 1st मई, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं कब तक कैलकुलेट करना है हम लोग को, 31st मार्च, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ्स हो रहा है, ये देखो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 मंथ्स, और Y ने एडिशन किया है 2,50,000।
इंटू 6/100। और y ने जो एडिशन किया है, y का डेट जो है वो है, y का डेट जो है वो है, y इंट्रोड्यूस्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड फ्रॉम इज कैपिटल, इट्स विथड्रू 2 लाख 1st October। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, 6/12। तो इसमें x का जो है वो हो जाएगा 5500 और इसका हो जाएगा 7500। ये मैंने एडिशन कर दिया, एडिशन वाला कैलकुलेशन, ठीक है। और विथड्रू x और y, x का विथड्रू है 2 लाख इंटू 6% और y का जो विथड्रू है वो है 50,000 इंटू 6%। अब देखो क्या है, x ने जब इंट्रोड्यूस किया था तब y ने विथड्रू किया है, तो फिर इसका y का 11/12 हो जाएगा, सेम कैलकुलेशन, डेट सेम है, ये 6/12 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव में दिखा देते, ये हो गया x का 6000 जबकि y का हो गया 2750। तुम लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। और ओवरऑल कॉलम को कैलकुलेट करोगे तो 29500 और ये हो जाएगा 22750, ठीक है। तो ये भी बहुत से लोगों ने सही करके दिया था, ठीक है, ये भी सबका सही था, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 7 करते हैं। देखो एक्स और वाई दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख से 1st October 2001। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि इन लोगों का कैपिटल हो जाना चाहिए 2 लाख, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसी को विथड्रू करना पड़ेगा, किसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका 2.5 लाख है उसे 50,000 विथड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका 1.5 लाख है उसे 50,000 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो फिर क्या एडजस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने वाला है। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करते हैं, एक्स इज, ठीक है, एक्स ने पहले कितना दिया था, 2,50,000, जो कितने दिन तक चला है, 2,50,000 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 महीना चला है, क्योंकि अप्रैल से लेके अक्टूबर के आगे तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1st October से इन लोगों ने चेंज किया है, तो 6/12 के बेसिस पे ये हो जाएगा 10,000। फिर एक्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, 2 लाख, क्योंकि वो विथड्रॉ कर लेगा, तो 2 लाख 8% और बाकी भी 6 महीना ही बचा है, क्योंकि वो एंड जो है वो मार्च है, अप्रैल टू मार्च, तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये हो गया 8,000, ये हो गया एक्स का, तो टोटल 18,000। और वाई का चेक करते, वाई का पहले था 1,50,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो ये था 6,000। फिर वाई ने और भी इंट्रोड्यूस किया है 50,000, तो वाई का हो जाएगा 2 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, तो हो गया 8,000, तो टोटल करो तो हो जाएगा 14,000। ये भी बहुत से लोगों ने किया, ये भी बहुत जन का सही हुआ है, ठीक है, 18,000, 40,000, ये सब लगभग सबने सही किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलास्ट्रेशन 8, जो कि किसी से नहीं हुआ, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, देखो, इसमें बोला है 31 मार्च 2004 आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 4 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st May 2003 एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड वाई इंट्रोड्यूस विथड्रू 50,000। तो इन लोगों का बोला है कि 31 मार्च आफ्टर क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, मतलब ये देखो इस तरह से ड्रॉ अगर करते हैं तो 31 मार्च जब अकाउंट्स क्लोज हुआ है तो x का कैपिटल है 4 लाख और y का कैपिटल है 5 लाख 1st May 2003 को, तो ये है 31 मार्च 2004, तो 1st April 2003 को स्टार्ट हुआ होगा ईयर, ठीक है। और इन लोगों ने 1st May 2003 में क्या किया है, x ने पैसा इंट्रोड्यूस किया था प्लस 1 लाख लिख दिया मैंने, और y ने उसी डेट पे माइनस किया था 50,000। फिर 1st October 2003 में x ने विथड्रू किया है, फिर 1st October 2003 में x ने विथड्रू किया है 2 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल और y जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%
31 मार्च 2004 को मिलेगा. सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैड बीन ऑमिटेड. ठीक है, देने का बात था कैपिटल पे इंटरेस्ट 6%, लेकिन ये देखा गया कि ये गलत हो गया है, देना वो लोग भूल गया. प्रॉफिट जो है वो 2 लाख है और पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स जो है वो 1,50,000 है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. हम लोगों को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. अगर जो ये है मेथड है वो एक बार फिक्स्ड मेथड से करना है और एक बार फ्लक्चुएशन मेथड से करना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग को पहले ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए. अब ये रहा हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल, तो हम लोग पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे ये देखो, सीधा सा बात है, क्लोजिंग कैपिटल एक्स और वाई का हम लोग लिख लेते हैं. एक्स का है 4 लाख और वाई का है 5 लाख. ठीक है, अब एक्स ने, हम लोग यहाँ बैक में जाते हैं वन बाई वन. एक्स ने क्या किया था, एक्स ने जो विथड्रॉ किया है उसे क्या करना है, ऐड. तो हम लोग को ये पता चल जाएगा अगर एक्स पैसा नहीं निकालता तो क्या कैपिटल होता, और एक्स ने मिडिल में जो इंट्रोड्यूस किया उसे करना है माइनस. जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा डाला था उसे माइनस कर देंगे और जो हम लोगों ने निकाला था उसे ऐड कर देंगे, तो हम लोग को ओपनिंग मिल जाएगा. सेम हम लोग वाई के लिए भी करेंगे. तो ऐड कर देना है हम लोगों को ड्रॉइंग्स, जो भी हम लोगों ने ड्रॉइंग्स किया है वो अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग का कैपिटल क्या होता. तो एक्स ने ड्रॉ किया है 2 लाख और वाई ने ड्रॉ किया है 50,000 और लेस कर देंगे एडिशन. तो एक्स ने एडिशन किया है 1 लाख और वाई ने एडिशन किया है 2,50,000. तो फिर हम लोग को मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल हो गया 5 लाख एक्स का और y का जो है वो हो जाएगा 3 लाख. बस अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड होने से क्या होगा, फ्लक्चुएशन होने से क्या होगा. तो x का इंटरेस्ट 5 लाख ओपनिंग था, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/12. x और y यहाँ भी कॉलम बेसिस में कर लेते हैं, 30,000 और y का जो ओपनिंग था वो था 3 लाख इंटू 6% इंटू 12/12, तो इसका भी हो जाएगा 18,000. ठीक है, उसके बाद x ने एडिशन किया 1 लाख और y ने एडिशन किया है 2,50,000. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 6% और जो डेट है डेट के हिसाब से 11/12, सेम वही वाले क्वेश्चन के तरह है, बस इसको थोड़ा घुमा के पूछा था. 5,500 और ये हो जाएगा 7,500 और एक्स और वाई का विथड्रॉ वाला जो है, एक ने किया है 2 लाख और एक ने किया है 50,000, 2 लाख और ये हो गया 50,000. ठीक है, तो 2 लाख जो है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसका हो जाएगा 6/12 और इसका हो जाएगा 11/12. तो इसमें हो जाएगा 6,000 नेगेटिव और इसका जो है हो जाएगा 2,750 नेगेटिव. तो यहाँ पर हो गया 29,500. सेम आंसर, क्वेश्चन वही बन गया. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के पूछा था क्वेश्चन को. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है हम लोग को अगर क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है, अगर फ्लक्चुएशन मेथड में होगा तो क्या होगा, उसमें हम लोग को आंसर निकालना है. तो फ्लक्चुएशन मेथड के हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल वो तो सेम ही रहेगा 4 लाख और ये हो जाएगा 5 लाख. अच्छा, उसके बाद ऐड करेंगे विथड्रॉल 2 लाख और ये हो गया 50,000. ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स 1 लाख और 50,000. देखो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन के लास्ट में भी एक ड्रॉइंग्स बता के रखा था. अगर हम लोग फिक्स्ड मेथड करेंगे
तो फिक्स मेथड के हिसाब से हम लोग का जो कैपिटल का इंट्रोडक्शन और जो ड्रॉ है वो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो ड्रॉइंग्स जो लास्ट में दिया हुआ है कि पार्टनर लोगों ने 1 लाख और 50,000 का जो ड्रॉइंग्स किया तो वो सिर्फ फ्लक्चुएट में हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने सीखा है कि कैपिटल के अलावा कुछ और तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये है कैपिटल का इंट्रोडक्शन और कैपिटल का विथड्रॉल, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ ड्रॉइंग्स करते हैं तो वो सिर्फ फ्लक्चुएशन मेथड में ही चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 1 लाख और ये 50,000 इसे भी यहाँ पर चार्ज किया, जो उसमें नहीं किया था हम लोगों ने लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी इसमें जुड़ गया होगा लास्ट में जब कैपिटल क्लोजिंग हुआ होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लाख, सॉरी प्रॉफिट है 1,20,000 और ये तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, अच्छा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख 5 लाख, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल है 2 लाख, 50,000 जो हम लोगों ने वहाँ भी चार्ज किया था, ड्राइंग्स जो एक्स्ट्रा था वो है 1 लाख और 50,000, और एक काम करते हैं एडिशन ऑफ कैपिटल कर लेते हैं, वो लेस करना पड़ेगा जो उसमें भी हम लोगों ने किया था वो है 1 लाख और 2 लाख 50, और लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है वो है फ्रॉम हिज कैपिटल सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2 लाख, 2 लाख को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:5 में, तो 2 लाख को 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,20,000 और हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो ये हो गया 4,80,000 और ये हो गया 2,70,000। अब इसका कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ये हो गया x का कॉलम, ये हो गया y का कॉलम, तो 4,80,000 x के लिए इंटू 6/100 इंटू 12/12, तो ये हो गया 28,800, y के लिए हो जाएगा 2,70,000 इंटू 6% इंटू 12/12, तो हो गया 16,200, फिर x और y, ठीक है 1 लाख, ये है एडिशन जो कैपिटल क्या है, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्वेश्चन को, 11/12 और इसका है 2,50,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये हो गया 5,500 और ये हो गया 7,500, फिर x और y विथड्रॉल वाला, इसने 2 लाख का विथड्रॉल किया है और इसने 50,000 का विथड्रॉल किया है, 6%, 6%, 6/12, 11/12, तो ये हो गया 6,000 और ये हो गया 2,750, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ये होता है 28,300, ये हो जाएगा 20,950, तो ये था इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 में हम लोग को कुछ लेजर पोस्टिंग वगैरह करना है, x और y दो पार्टनर हैं, इन लोग 2:3 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कैपिटल है 20,000, 10,000, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, हर एक केस अलग अलग है। केस ए में क्या बोला है, देखो केस ए में बोला है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द ट्रेडिंग प्रॉफिट 150, तो बस लेजर पोस्टिंग करना है, तो पीएल एप्रो बनाएंगे हम लोग, तो पहले बाय लिख देते हैं नेट प्रॉफिट या फिर पीएल बोल के 1500। अब इन लोगों को मिलने क्या वाला है, इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा और कुछ नहीं बोला है इंटरेस्ट के बारे में, तो ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो एक्स को और वाई को, जो रेशियो है उसके हिसाब से 1500, रेशियो है 2:3, यानी ये हो जाएगा 600 और ये हो गया 900, बस सिंपल। केस बी, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो प्रॉफिट क्या है एंड द ट्रेडिंग लॉस, अच्छा इसमें लॉस है प्रॉफिट नहीं है, तो टू लॉस डेबिट साइड में होगा, टू लॉस है हम लोग का 1500, तो अगर लॉस है तो हम लोग तो इंटरेस्ट दे नहीं सकते, ठीक है, इंटरेस्ट बोला है 6%, लेकिन जब लॉस है तो इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते, तो सिर्फ पार्टनर लोगों में हम लोग इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सॉरी लॉस को क्या करेंगे, बांट देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का यही रूल्स होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 600 और 900, तो ये हो गया 1500।
केस सी पार्टनरशिप डीड में बोला गया है 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट है तो बाय नेट प्रॉफिट सभी पीएल एप्रो होगा, हम और अलग से नहीं लिख रहे, ये भी है पीएल एप्रो, ठीक है। ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, ये जितना भी होमवर्क था। तो ये हो गया 2100, तो पहले इंटरेस्ट दे देते हैं एक्स और वाई को। तो इंटरेस्ट जो है इन लोग का कैपिटल है 20,000 और 6% के हिसाब से हो जाएगा 1200 और एक जन का हो जाएगा 10,000 6% के हिसाब से 600। तो 1200 और 600 तो हो गया 1800। 2100 से 1800 पे करने के बाद जो बचेगा वो एज ए प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स और वाई, तो 2100 माइनस करना है हम लोगों को 1800, तो 300। अब इसे 300 को हम लोग को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120 और 180, ठीक है। केस डी, इसमें बोला है पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो 1500 है। तो बाय पीएल ये है 1500, तो टू इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट जो भी प्रॉफिट के पहले अगर कुछ बोला हुआ है तो वही पहले देना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम क्वेश्चन है, तो 1200 और कितना हो जाएगा 600। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, ये मैंने बताया था क्वेश्चन कि अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1800 है उससे अगर कम होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रेशियो में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 20:10 यानी 2:1। तो ये 1500 को हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 के जगह ये हो जाएगा 1000, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1500 को, तो ये हो गया 1000 और ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 500, तो कितना मिलेगा 1500। इस तरह से 1500 को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पॉइंट मैंने लास्ट दिन बार बार बताया था, ठीक है। और केस ई जो है पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि 6% इंटरेस्ट देना है इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, अगर फर्म में लॉस होता है तो भी देना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है 1500। तो बाय पीएल पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, वो है 1500, ये है पीएल एप्रो, अच्छा। तो टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो चाहे जो भी हो। तो एक्स और वाई दोनों का इंटरेस्ट सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम 1200 और 600 लिख देते हैं 1800। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट 1500 है और इंटरेस्ट है 1800 जो कि देना ही पड़ेगा, तो 300 का जो लॉस है ये पार्टनर लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो एक्स और वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 और 300 का जो लॉस आएगा उसे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 300 जो है और इन लोग का रेशियो जो है, रेशियो है 2:3 डिवाइडेड बाई 5:2, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 180, तो ये हो गया 300। तो इस केस में क्योंकि बोला था इवन इफ लॉस, लॉस होने से भी, इस केस में ऐसा कुछ नहीं बोला था इसके पहले वाले में, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, जो रूल्स होता है जब प्रॉफिट से इंटरेस्ट का अमाउंट कम हो जाता है तो वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इलास्ट्रेशन 10 केस ए, इसमें बोला एक्स और वाई दो पार्टनर है जिन लोग का रेशियो है 2:3, इन लोग का कैपिटल है 20,000 10,000, 1 July 2002 एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स 60,000 और 40,000 20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म्स, दोनों ने फर्म को लोन दिया है, एक डेट है जो 1 July पे, और इन लोग को बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन जो है उसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है सॉरी, और इसमें क्या बोला है 3 केस दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग पीएल अकाउंट बना लेते हैं, पहले केस में प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट, तो बाय प्रॉफिट कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले है 2100, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन का केस ये होता है कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6%। तो देखो क्या लोन का इंटरेस्ट होगा 40,000 पे हम लोग को कितना देना है 6%, 1 July को लोन दिया गया था 40,000 × 6%, और जुलाई से लेके हम लोग को कब तक काउंट करना है, जुलाई से लेके हम लोग को ईयर एंड होगा इन लोगों का
ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 मंथ्स इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का हो गया 1200 और वाई ने कितना लोन दिया था, वाई ने दिया था 20,000, 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो इसमें हो जाएगा 600, तो ये हो गया 1800। अब बाकी जो बचा वो ट्रांसफ़र कर देंगे टू नेट प्रॉफिट, तो ये 2100 में से अगर 1800 चला जाएगा तो बचेगा हम लोग का 300। तो एक्स और वाई सेम ही रेशियो है, तो 120-180 मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब केस बी देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बोल दिया है 1500, तो बाई प्रॉफिट 1500, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो सेम ही होगा अमाउंट 1200 और 600। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा जो कि है 1800, जबकि इन लोग का प्रॉफिट कितना है 1500, तो फिर जो लॉस है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाई नेट लॉस। ये भी हो जाएगा 120 और 180 एक्स और वाई के लिए, तो आंसर हो जाएगा 1800 और 1800, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बोले या ना बोले ये हम लोग को देना ही पड़ेगा। जैसे उस केस में क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो जब कम हो रहा था तो हम लोग कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और जब मेंशन कर रहा था कि देना ही पड़ेगा तो हम लोग इस तरह से लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन जब लोन का केस आएगा तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लॉस चाहे वो अगर लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट से लोन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो फिर उसे एज ए लॉस पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और लास्ट वाले में नेट प्रॉफिट जो है लॉस है, तो टू लॉस है 1500। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई 1200 और 600, तो बन जाता है 1800, तो टोटल होता है 3300। और ये 3300 का लॉस इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेम रेशियो में जो कि है 2:3, तो ये हो गया 2:3, तो 3300 डिवाइडेड बाय 5:2 1320, और माइनस कर देते हैं 330, तो ये हो गया 1980, ठीक है, तो 3300। तो ये जितना भी होमवर्क था ये मैंने सारा सॉल्व किया है, तो तुम लोग जो भी जिन लोगों से हुआ है वो लोग भी एक बार अपना प्लीज़ चेक कर लो कि कहाँ गलत है कहाँ सही है, ठीक है। तो होमवर्क ज़रूर कर लो क्योंकि ये सब बेसिक और पार्टनरशिप है, जब हम लोग इसके बाद और डिटेल्स चैप्टर में जाएंगे ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिर होमवर्क ऑब्वियसली तुम लोग कर लो, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताओ। तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग पार्टनरशिप का गुडविल स्टार्ट करेंगे।